नैया पार करवाएगी, IAS, PCS, NET, PGT, TGT एंड सो ऑफ द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, वेलकम सर। रुक रहा है क्यों सोनू बेटा? सब ठीक हो जाएगा, देखिए लोकल प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। ठीक है, कम ऑन। तो आवर सोलर सिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है ना, और कैसे पढ़ना है ये बात हम करेंगे आपके साथ। तो सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आइए सबसे पहले बात करें हम सोलर सिस्टम में, तो सन की बात बहुत सारी हो गई, अब हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के ऊपर बात करें। तो सोलर सिस्टम में हमारा जो है, एक ड्रॉ कर दे पिक्चर, लाइनर ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि संभव नहीं है, तो एक लाइनर ड्रॉ करते हैं सन, और सन को थोड़ा बड़ा दिखाने में संकोच हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं थोड़ा बड़ा दिखाते हैं सन। अब सन के बाद इसके जो पारिवारिक हिस्से हैं सब की बात करेंगे हम। तो सन के बाद जो सबसे नजदीक है इसका एक प्लैनेट है, देखते हैं कौन सा है। उसके बाद एक प्लैनेट है, उसके बाद एक प्लैनेट है, उसके बाद भी एक प्लैनेट है, बिल्कुल है, उसके बाद भी एक प्लैनेट है, बिल्कुल है, और फिर एक प्लैनेट है, नहीं है ना। तो हम देखें प्लैनेट तो बहुत सारे हैं, अब अगले पॉइंट पर आ जाएं, थोड़ा सा हम इसको फिनिश करें और इसको हम ये लें, अब अगले पॉइंट पर आ जाएं, थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दें और फिर इसको रिपीट ड्रॉ करें, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद एक प्लैनेट और उसके बाद एक प्लैनेट, तो कितने हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना। अगर हम नंबर दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये प्लैनेट हो गए। अब सबके नाम लिखने जरूरी हैं, क्यों नाम लिखना है ना, तो नाम हम रेड से लिख देते हैं। ये है हमारा मर्क्यूरी, दूसरा हमारा वीनस, ये अर्थ, और चौथा मार्स, ये जुपिटर, ये सैटर्न, और ये यूरेनस, और ये नेपच्यून। ये तो सबके नाम आ गए बेटा, लेकिन क्या इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, इसका हिंदी नाम क्या होगा, थोड़ा सा पतले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मरकरी को क्या कहते हैं बेटा, बुध। विनस को क्या कहते हैं, शुक्र। अर्थ को क्या कहते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, पृथ्वी। मार्स को क्या कहते हैं, मंगल। जुपिटर को क्या कहते हैं, बृहस्पति। और सैटर्न को क्या कहते हैं, शनि। और यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अरुण। और नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण, यही कहते हैं ना, हाँ, इसी को क्या कहते हैं, राहु केतु है। तो अरुण वरुण को हम लोग राहु और केतु भी कहते हैं, अब प्लूटो को तो यम कहते थे, तो ये नाम आ गया बेटा, ठीक है, तो नाम आ गया। अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी कहते हैं, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, वी फॉर क्या कहते हैं, सॉरी यू,
यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। तो देखिए कितने हो गए, 8। चलिए अभी हम प्लैनेट की बात करते हैं, तो अब आप देखिए क्या क्या सिस्टम से होता है। तो 1, 2, 3, 4, 8 हैं, तो ये तो हम समझ गए कि ये 8 हैं। मिटा दीजिए अभी 8 को, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, अब आइए बेटा सवाल के दायरे में। कुछ चीजें अपने आप समझनी है, कोई ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या? तो देखिए सूरज से सबसे नजदीक का कौन सा है, सूरज से सेकंड नियरेस्ट, सूरज से थर्ड नियरेस्ट, ये अपने आप सोचना है। सूरज से फोर्थ नियरेस्ट, लेकिन उसका नियरेस्ट नहीं, उसका फार हो जाएगा। अब आइए सूरज से सबसे दूर पे फार्देस्ट कौन सा है, नेपच्यून। सेकंड फार्देस्ट कौन सा है, यूरेनस। थर्ड फार्देस्ट कौन सा है, सैटर्न। यानी सूरज के सबसे दूर क्रमशः 3 प्लैनेट कौन से हैं, एस यू एन सन। कितना अच्छा नाम है, एस यू एन सन। लास्ट के 3 फार्देस्ट हैं सन, उसमें भी सबसे ज्यादा एन है। तो ऐसे सूरज के सबसे नजदीक के कौन से हैं, एम वी ई। ठीक है, एम वी ई, ठीक है, ये भी अच्छा है कि सूरज के सबसे नजदीक के। सूरज के सेंटर में कौन पड़ेगा, जरा सोचिए, 8 हैं तो सेंटर में तो 2 पड़ेगा, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर, तो एम और जे। सूरज के सेंटर में कौन से हैं, एम और जे। ठीक है, पॉइंट हो गई। अब जरा देखिए अगले पॉइंट पर, कौन सा आपको लार्जेस्ट लग रहा है, विच प्लैनेट इज लार्जेस्ट। याद रखिएगा हमारे सोलर सिस्टम में ये हैवीएस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये क्या है, हैवीएस्ट, और यही लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी अपने पूरे सोलर सिस्टम में। पर आप प्लैनेट में सिर्फ देखें तो प्लैनेट में आपको क्या लगता है, ये लगता है ना कि ये लार्जेस्ट है, आपको लगता है ना ये हैवीएस्ट है, हैं? बिल्कुल, ये सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, और मोस्ट डेंस फुल, मोस्ट डेंस। बेटा सवाल, सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम का ग्रह प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। सबसे भारी प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। सबसे ज्यादा घनत्व, डेंसिटी, स्ट्रांगनेस किसका है, जुपिटर। तो जुपिटर 3 चीजों में, घनत्व में, भारी में यानी मास में, और वॉल्यूम में, वॉल्यूम मास डेंसिटी, तीनों में नंबर 1 है। यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक है, तो आपने देखा ये क्या है, जुपिटर। तो ये नंबर 1 है किसमें, वॉल्यूम में, किसमें, मास में, किसमें, डेंसिटी में, किसमें, एस्केप वेलोसिटी में। बेटा ध्यान देखा, नंबर 1 है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, ये आयतन में नंबर 1 है। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान में नंबर 1 है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, ये सबसे ज्यादा है। इसके वेलोसिटी पलायन वेग, पलायन वेग सबसे ज्यादा कहाँ है, ऐसे ही पूछेगा बेटा, जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से ध्यान में रखना है, पलायन वेग सबसे ज्यादा कहां होती है, पलायन वेग वही होती है। तो देखिए 4 चीजें आपके सामने में, इन चारों में ये नंबर 1 है, आयतन में नंबर 1, द्रव्यमान में नंबर 1 यानी भार में नंबर 1, डेंसिटी घनत्व में नंबर 1। तो इसीलिए यहां पर जो पलायन वेग होगा सबसे ज्यादा होगा, उच्चतम होगा, यानी इसके वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली।
क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब पांचवा पॉइंट क्या निकल के आया बेटा? पांचवा पॉइंट भी हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी घनत्व, सॉरी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। उफो, गुरुत्वाकर्षण। तो आपने देखा इसमें नंबर वन, इस पे नंबर वन, इस पे नंबर वन, इस पे नंबर वन, इस पे नंबर वन। तो एक पॉइंट आप अपना निकाल लीजिए कि इन पांच चीजों में बृहस्पति नंबर वन है, ठीक है? इसको जल्दी लिखिए क्योंकि हटाऊंगा, क्योंकि इसी पर हम बहुत चीजें काम करेंगे। अब स्मॉलेस्ट में कौन सा, ये क्या है जो हम इसके लिए बात कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट है, अभी बड़ा छोटा पे दिखा रहे हैं, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अब सबसे छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा है वॉल्यूम में, ये सबसे कम है। मास सबसे ज्यादा, मास सबसे कम। डेंसिटी डेफिनेटली कम होगी, ठीक है? इसके वेलोसिटी सबसे कम होगी, ग्रेविटी सबसे कम होगी। तो ये जुपिटर का वाइस वर्सा है, जुपिटर को बिल्कुल पलट दीजिए, ये स्मॉलेस्ट में आ गया अपने आप। जी जनाब, स्मॉलेस्ट में आ गया। अब अर्थ का क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट है, पांचवें नंबर का लार्जेस्ट है, ठीक है? सैटर्न का क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। चलिए, अभी हमने आपको इन चीजों पे दिखाया कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और पृथ्वी का नंबर बिगेस्ट में पांचवें नंबर पे, फिफ्थ लार्जेस्ट है आठ में, और सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न, और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट में है ये, इतना याद रखिए। अब ये सब चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, मैं इसे मिटाऊंगा, तभी इस पर हम और भी काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख डालिए, नहीं तो ये मिटने वाला है, ठीक है? ये मिटने वाला है, ये मैं जुपिटर के लिए कह रहा हूं, ये चीजें, वो सैटर्न के लिए है, ये अर्थ के लिए है, ये इसके लिए है। आप लिख डालें, फिर मैं इसे मिटाऊं, ठीक है? ठीक है, मिटाओ मिटाओ, ठीक है। तो अब मैं मिटा रहा हूं, ये तो देख लिया, स्मॉलेस्ट सिस्टम पे आप गए, ये काम हो गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। अब दूसरा पॉइंट क्या बेटा, उस पर गौर फरमाइए। ये तो देखा आपने, अब देखिए सूरज की गर्मी पड़ेगी, सबको सनरेज चाहिए, तो कहां तक जो है हीट पार्ट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए बेटा, जुपिटर से उठा लीजिए और यहां तक, यानी एम वी ई एम जे, इन सबको क्या कहते हैं बेटा? वार्म प्लैनेट। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वार्म प्लैनेट, यानी गर्म ग्रह। ऐसा क्यों कहते हैं? सूरज की ताप रोशनी यहां तक पड़ती है और यह हीट होता है। अब यहां से उठा लें और यहां चले, ये तीन हो गया। नाम क्या है? एस यू एन, सन, सन यानी गर्मी, माय गॉड। और काम क्या है? कोल्ड प्लैनेट। यानी बेटा ठंडा ग्रह, ये कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा ग्रह है। ये भी जल्दी से ओके करिए, देखते हैं। नाम है सन, काम क्या है? चंद्रमा वाला, नहीं तो ये चीजें हैं, तो याद रखिए कोल्ड और
हीट का चक्कर समझ में आ गया, जुपिटर तक वार्म प्लैनेट और SUN कोल्ड प्लैनेट। तो ये कोल्ड होगा, ये कोल्डर होगा, ये कोल्डेस्ट होगा, नेचर कहता है। तीन है, आप सिंपल तीन डिग्री लगा दीजिए इंग्लिश का, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो ये कोल्ड है, ये कोल्ड, ये कोल्डेस्ट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, पॉइंट क्लियर। अब फिर मैं इसको मिटाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चलता हूं। अब जो अगला करी है, अब उस पे आइए। अब देखिए, यहां से लेकर के हमने मंगल तक लेके आया, अब इसको क्या कहते हैं, इंटरनल, सॉरी, देखिए यहां से यहां लेके आया, ओहो ये बार बार यहां लेके आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स। इसका मतलब आंतरिक ग्रह। क्यों, यहां पे कूपर बेल्ट होता है, जे एस्ट्रॉइड वगैरह, मेट्रॉइड सब, इसीलिए। वो आगे हम बताएंगे, जो भी है इसका हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए, तो देखा, इंटरनल प्लैनेट आंतरिक ग्रह कहते हैं, MVEM तक को, और इसी को क्या कह देते हैं आप, अर्थन प्लैनेट, अर्थन प्लैनेट्स, यानी पार्थिव, ठीक है, ठीक है, पार्थिव ग्रह। बेटा ये पृथ्वी जैसी ही है, ये चारों अर्थ जैसी है, इसलिए अर्थन प्लैनेट पृथ्वी के जैसी है, पार्थिव ग्रह कहते हैं, ये है, ठीक है, ग्रह कहते हैं। और ये इंटरनल माना जाता है, सूरज के आंतरिक भाग में है, इंटरनल, ठीक है। अब ये फिर क्या होगा, अच्छा जुपिटर का ये कब मिट गया, अच्छा नहीं ये तो कलर नहीं था, कौन सा कलर हमने लिया था, ये लिया था, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, तो अब बात करते हैं हम, ठीक है, कि पार्थिव कहते हैं। अब यहां से ये जो है JSUN, इसको क्या कहते हैं, वाहिग्रह, वाहिग्रह यानी इसको कहते हैं वाय ग्रह यानी एक्सटर्नल प्लैनेट, और इसी को कहेंगे बेटा जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब क्या होता है, जुपिटर यानी बृहस्पति जैसा, इसीलिए इसको कहते हैं जोवियन प्लैनेट, बृहस्पति जैसा। तो ये भी एक कैटेगरीज आपके पास क्लियर हो गया बेटा, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैसे समझूं कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कमेंट करते रहिए बीच बीच में। तो ये हो गया वाई यानी एक्सटर्नल प्लैनेट यानी जोवियन प्लैनेट्स। तो ये भी कैटेगरीज आपका फुलफिल हो गया, अब आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसको फिर मैं मिटाऊंगा, इसको ओके कर लिया तो अब इसको मिटाऊंगा। अब कलर के ऊपर बात होगी बेटा, नाउ इट इज
डिस्कस अबाउट कलर। ठीक है, अब कलर के ऊपर बात होती है तो ध्यान देंगे, मार्स का कोई कलर नहीं, वीनस का नहीं, अर्थ का आप इसको कह देते हैं ग्रीन प्लैनेट। तो अर्थ को आप क्या कहते हैं प्यार से? ग्रीन प्लैनेट। तो क्या यह हरा भरा दिखता है? हाँ, पेड़ पौधे हैं, सजीवता है, इसीलिए। मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। जुपिटर का ऐसा कोई नाम नहीं, सैटर्न का ऐसा नाम तो हम श्वेत कह देते हैं, श्वेत यानी वाइट। ठीक है, अब हम इसे देखें तो क्या कहेंगे वीनस को, तो यूरेनस को, इसको येलो कहते हैं, येलो प्लैनेट। और जो नेपच्यून है इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लू प्लैनेट। तो नेपच्यून ब्लू है, यूरेनस येलो शेड देता है, ये व्हाइटिश शेड देता है, और ये कलरफुल, मिक्स्ड कलर, यानी कलरफुल है ये। ठीक है ना। अब आइए रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट हम कहते हैं, और इसको ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि इसका नाम जो है ना उसके आधार पर, नहीं आधार पर तो इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, सॉरी। इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट क्योंकि यहां पे वाटर है, यानी सी जो दिखाई देता है। और इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं आपको भी मालूम है, यहां पे लाइफ है, वेजिटेशन है, इसलिए कहते हैं ग्रीन प्लैनेट। तो देखा कलर के बेस पर जिसका क्या नाम है वो आपके पास आ गया। तो कलर की बात भी खत्म करिए फिर आगे बढ़ेंगे, कलर से फ्री हो जाइए। कलर से फ्री हो गए तो अब आगे बात करेंगे हम प्लैनेट के ऊपर, अब बात होगी ग्रह की बात होगी। ठीक है, ये तो हो गया, उतार लीजिए। अब बात करेंगे कि किसके किसके अपने मून है, किसके मून नहीं है। तो पहले मून के आधार पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं अब इसे मिटाऊंगा बेटा। ठीक है, ठीक है, अब आइए बेटा बात करते हैं मून पे। तो देखिए हमारा टाइटल अब क्या है, मून। मून को क्या कहते हैं? चंद्रमा। और इसी को आप क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। किसके पास है, किसके पास नहीं है, तो हमारी सारी बातें इस पे फोकस्ड हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? नो मून। यानी मार्स और वीनस के पास चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास वन मून, और ये मून का नाम ही मून है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नाम रखा ही नहीं है, चंद्रमा ही कहते हैं। ठीक है, मार्स के बाद तो हम इसको देखते हैं दो मून हैं, एक दो, एक को कहते हैं फेमोस, एक को कहते हैं डेमोस। फेमोस और डेमोस, तो कितने मून हैं? दो हैं। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, उनमें से दो के नाम हम ले सकते हैं, नहीं यूरोपा और दूसरे का नाम क्या है? गैनमीड। यूरोपा, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है बेटा? यहां थोड़ा नीचे लेते हैं,
गैनेमीड, यूरोपा और गैनेमीड है नाम, ये ध्यान में रखिएगा, यूरोपा और गैनेमीड। अब आइए अगले पॉइंट पे, अब वैसे 79 है, ठीक है ना। अब हम सैटर्न का देखें तो सैटर्न के पास कितने हैं फिलहाल, 82 मून्स हैं। इनमें से हमें दो के नाम चाहिए, एक कैसिनी ये दो मून के नाम में, एक कैसिनी दूसरा टाइटन, ये ले लिया। अब इन सब के भी मून हैं, मून तो इसके भी हैं, जरूरत नहीं है हमें। अब इसमें से देखें कि क्या होगा, मार्स सॉरी मरकरी और वीनस के मून नहीं है, ये एक सवाल है। अब आइए, ठीक है, ये जो है आपका अर्थ के पास सिंगल मून है, जो मून है उसका कोई अलग नाम नहीं है। अब आइए मार्स के पास दो ही मून है, एक फेमोस एक डेमोस, FD फिक्स डिपॉजिट, इसके डिपॉजिट फिक्स्ड हैं, दो ही हैं, फेमोस और डेमोस, मोमोज मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप कहेगा मोमोज, तो सर ऐसे याद रख लें तो बात हो जाएगी, हैं फेमस मोमोज, हैं फेमस मोमोज, यानी फेमोस और डेमोस, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब आए जुपिटर के पास 79 है, उसमें से यूरोपा और गैनेमीड, और ये सेकेंड नंबर है सबसे ज़्यादा। अब यूरोपा पे हम देखते हैं कि हम वाटर हमें मिला है, और गैनेमीड का क्वेश्चन आएगा क्या लार्जेस्ट मून ऑफ आवर एस सोलर सिस्टम। तो बेटा हमने इसके लिए यूज किया है, गैनेमीड जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ये मून सबसे बड़ा है, समझ आई गैनेमीड। तो ये अब आइए यूरोपा और गैनेमीड आपने देख लिया, ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब अगले पॉइंट पर आए, ठीक है, कैसिनी और टाइटन ये दोनों किसके हैं, तो सैटर्न के हैं, पॉइंट क्लियर। चलिए तो मून के ऊपर बात हो गई, अब मून सबसे ज्यादा किसके पास है, लार्जेस्ट नंबर है, तो याद रखिएगा 82 ये लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, किसके पास, सैटर्न के पास। तो सैटर्न के पास आज सबसे ज्यादा मून है 82, और इसके पास है 79। तो मून के ऊपर बात हो गई, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून के ऊपर बात हो गई, तो मून के ऊपर बात हो गई। चलिए तो इसको भी हम मिटाएंगे और अगले पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। अब मुझे कहां जाना है, अभी रिवॉल्वेशन रोटेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर गौर फरमाइए, ठीक है। तो मैं इसे मिटाऊंगा, तो यहां तक आ गए, अब अगले पॉइंट पर आइए बेटा। अब अगला पॉइंट क्या, तो आप जानते हैं इसको आप रेड प्लैनेट कह रहे हैं, ये रेड कलर में है, बिल्कुल रेड कलर में है। अब इसको हम मोटा कर दें तो हो जाएगा रेड, अभी चलिए ये रेड है, ठीक है। और जुपिटर जो है और सैटर्न, यहां पे तीन छल्ले हैं डिफरेंट कलर के, थोड़ा हम कलर बदल देते हैं, एक ग्रीन ले लेते हैं, तीन छल्ले, थ्री रिंग्स हैं कलरफुल, कलरफुल थ्री रिंग्स हैं। जुपिटर में भी रिंग है लेकिन क्लियर उतना नहीं दिखाई देता, पर सैटर्न ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। अब आइए
तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, वो समझ गए, तो रिंग सिस्टम पे समझ गए, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाएं, अब हम इस रिंग सिस्टम को भी मिटा दें, रिंग वहां पे है रहने दीजिए, ये रेड है उसको रहने दीजिए। अब जो अगली बात आती है वो देखिए, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, अर्थ के लिए ध्यान दें, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है टुवार्ड्स द सन। हमारी पृथ्वी अपने ध्रुव पर 23.5 डिग्री झुकी है सूरज की तरफ, बिल्कुल। उसके बाद ये सब ज्यादा ज्यादा झुकते जाते हैं, तो याद रखिएगा इन सब को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, हुआ ग्रह क्या है, लेटा हुआ ग्रह, यानी लेटा हुआ को क्या कहते हैं, फ्लैट, लेट गया। तो ये चीजें हैं, ये और ज्यादा, ये 23.5 है ना, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ऐसे झुकी हुई है जी, क्यों, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। अब अगले पॉइंट पर आइए बेटा, ये तो पॉइंट हमारा बन गया, ये आप देख लिए, अब अगली कड़ी क्या कहेगी। अभी हमारे पास 3-4 कितना टाइम है, हाँ 5-7 मिनट है बेटा, अब क्या बात करें। तो रिवॉल्वेशन पे, रोटेशन पे तो हम जा ही नहीं रहे, अभी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल है किस चीज पे जाए, कौन सी बात करें इसके बारे में। तो आप देखिए, प्लूटो की बात हो गई, अब ये 8 की बात है, इसी 8 पे बात करनी है, तो इसके वेलोसिटी घनत्व के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये भी हो गया, मिथेन उथेन के बारे में इन सब पे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब जो एक कॉमन सी चीजें हैं, मोस्ट ब्राइट की बात पूछेगा, तो देखिए वीनस है आपका, इस पर सवाल आएगा, मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यही है, यानी सर्वाधिक चमकीला। आखिर ऐसा क्यों भाई, क्यों, तो जो जितनी गर्म होगी उतनी चमक होगी, तो सर्वाधिक चमकीला है, इसका मतलब ये हॉटेस्ट भी है, बिल्कुल हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म है, बिल्कुल ये सबसे गर्म है, भले लाल दिखता है वो, लेकिन गर्म वीनस है। मरकरी कहेगा सर ये सूरज के सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा गर्मी होना चाहिए, नहीं, दीपक तले अंधेरा होता है, शेडो फ्लेम होता है, और डिपेंड करता है कि किसका मटेरियल क्या है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को कम, किसी के अंदर फैट्स ज़्यादा है तो उसको सर्दी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगा, जिसके पास फैट्स कम है उसको गर्मी तो चल जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, सर्दी में बहुत ठंड लगेगी। तो ये चीज़ है, तो लोगों के अपने फीचर्स भी तय करते हैं इसके लिए। तो मोस्ट ब्राइटेस्ट यानी ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है, वीनस है, हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है, वीनस है। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर CO2 बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। आइए, यहां पे टेम्परेचर हॉटेस्ट है तो टेम्परेचर कितना जाता होगा, नहीं टेम्परेचर कितना जाता होगा, तो बेटा 280 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहां तापमान जो है 280 से 300 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट नहीं, समझ रहे हैं ना, फॉरेनहाइट नहीं, कैल्विन नहीं, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां होता है वीनस, इसलिए गर्म है, और CO2 है तो CO2 जो है हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है तो इसलिए यह हॉट ज्यादा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, तो ये देख लिया, कोल्डेस्ट तो नेपच्यून होगा, ये सबसे गर्म है तो वो कोल्डेस्ट हो जाएगा, ये कॉमन बात है। तो सबसे गर्म की बात हो गई, सबसे चमकीले की बात हो गई,
ये दो बात क्लियर हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पर, ये मिटा दीजिए क्योंकि जगह की बड़ी कमी है, तो हम हिसाब किताब से चलेंगे। अब अगला पॉइंट आइए, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, इस पे मरकरी पे। मरकरी का जो है हिसाब किताब देखें तो यहां पर टेम्परेचर का क्या हाल है, यहां पे टेम्परेचर डे में 150 डिग्री सेल्सियस सी, 150 ये डिग्री का साइन है, ये सेल्सियस का साइन है। अगर हम इसको ठीक से लिखे तो ऐसे लिखेंगे 150 डिग्री, डिग्री ऐसे लिखा जाता है सेल्सियस। ये दिन का है, और नाइट का माइनस, ध्यान देंगे नाइट का क्या है, माइनस 150 डिग्री सेल्सियस। तो डे में 150 ये प्लस का साइन है, और नाइट में माइनस 150, यानी फ्लक्चुएशन कितना है, फ्लक्चुएशन ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस इन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। अगर हमारे यहां ऐसा हो तो हम कब तक जिंदा रहेंगे, तो यहां पे तो जीवन की संभावना नहीं मालूम पड़ती अगर हम पृथ्वी के हिसाब से कंपेयर करें तो। हो सकता है कोई जीवन हो तो वो अलग बात है। तो यहां पे फ्लक्चुएशन 300 डिग्री का है, एसी वैसी कुछ भी लगा के रहेंगे सब फेल हो जाएगा, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। चलिए, अभी तक हमें अर्थ पे पता चलता है जीवन है कहीं पे होगा, अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो अर्थ पे जीवन है, बाकी पे कहीं जीवन नहीं है। चलिए अब आइए, अगला सवाल बनता है कि ये रेड क्यों लगता है, ये मार्स जो है रेड क्यों दिखता है, तो क्या कहेंगे, यहां पर क्या है, रेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, नहीं इसका मतलब है रेड फास्फोरस या ऑक्साइड कहिए, रेडॉक्स कहिए, जो भी कहिए, तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या है बेटा, रेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब आयरन, ठीक है, फेरस ऑक्साइड कहिए तो रेड ऑक्साइड कहिए, या फेरस, फेरस ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यानी आयरन यहां बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही, तो इसलिए ये रेडिश लुक देता है, ठीक है। अब इसको मिटा दें, अब अगले पॉइंट पर आइए जो सवाल पूछेगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर तैयारी कर लीजिए जल्दी से, ये हमारा आखिरी है, अगले पॉइंट पर तैयारी करिए। देखिए इसको तो पहले हटाइए, अब जो सवाल है ब्लैक से ध्यान देंगे, यहां पे 200 किलोमीटर स्पीड आवरली, यहां पे क्या होते हैं विंड, यानी कि आप इसको कहेंगे विंड ब्लो। तो बेटा जब कहीं पे हवा का स्पीड, वायु का स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर का होगा, तो इसका मतलब है यहां तो ऑलरेडी तूफान होगा, बिल्कुल यहां पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, बवंडर, यहां पे बवंडर है, यानी स्ट्रॉम, स्टॉर्म, स्ट्रॉम नहीं स्टॉर्म, स्टॉर्म चल रहा है, यानी बेटा आपने देखा यहां पे ऑलरेडी बवंडर है, स्टॉर्म चल रहा है, और यहां का जलवायु, इसका मतलब है यहां का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अनस्टेडी, यानी अस्थिर है। बेटा आपसे पूछेगा यही कि हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर वायुमंडल अस्थिर है, तो मंगल का वायुमंडल अस्थिर है। अब मार्स को ले लीजिए, नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं है। बेटा ध्यान देंगे,
हमारे मार्स पे, सॉरी बुध पे यानी मरकरी पे कोई वायुमंडल नहीं है, यानी इसके चारों तरफ गैस का छल्ला एटमॉस्फेयर नहीं है जैसे पृथ्वी के चारों ओर है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर है तो वो इतना फास्ट होता है विंड ब्लोविंग कि यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू तूफान चल रहा होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और आखिरी में एक पॉइंट ये बताएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नो एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी, ये पॉइंट हम समझ गए। ये भी हम समझ गए कि भाई यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है अनस्टेडी है, अस्थिर है और कंटिन्यू बवंडर बह रहा है। अब यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, माउंटेन, इसका नाम है ओलंपिया। बेटा यहां पे जो एक माउंटेन है उसका नाम क्या है? ओलंपिया। अगर इस माउंटेन को हम रेड है तो रेड कलर से दिखा दें तो ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये माउंटेन है, इसका नाम क्या है? माउंट ओलंपिया। ये इसके सरफेस से 27 किलोमीटर हाइट है, यानी 3 times हाइयर देन हिमालया, नॉट हिमालया, एवरेस्ट ही कर लीजिए, देन एवरेस्ट। तो माउंट ओलंपिया हमारे किस प्लैनेट पर है? मंगल पे। क्या हाइट है वहां के सरफेस से? 27 किलोमीटर। और हमारी पृथ्वी पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। 9 × 27, तिगुना, 3 times हायर देन द एवरेस्ट इट इज माउंट ओलंपिया ऑन वेयर मार्स। तो आपसे सीधा सवाल करेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कहां है? आपके दिमाग में एवरेस्ट नहीं होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए माउंट ओलंपिया, मार्स, मंगल पे है। समझ में आई बात? तो इतनी सारी बातें आज हुई। हम चाहते हैं कि ये एज इट इज सेव रखेंगे, उस दिन इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब संभाल नहीं हो सकता आज, तो ये ध्यान में रखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? इसको टू बी कॉन्टिन्यू रहेगा, ये याद रखिएगा, टू बी कॉन्टिन्यू। रवि आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, इसको सेव रखिएगा, ज्योग्राफी में इसी को अपलोड कर देंगे उस दिन, और ये सब आप हमें भेज दीजिए, ग्रुप पर भेज दीजिए। टिल देन ओके, टेक केयर, बाय, स्टॉप इट नाउ।